आज ईद के दिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं ईद की एक मशहूर रेसिपी जो रिवायती रेसिपी कहलाती है, शीर खुरमा। लेकिन शीर खुरमा हम बनाएंगे एक ट्विस्ट के साथ, और साथ साथ मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है, उन्हें भी हम वेलकम कहते हैं, आपसे मुलाकात भी करवाते हैं। रमज़ानों में भी उनसे मुलाकात हुई है आपकी। हमारे साथ हैं डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट अक्सा खान हमारे साथ हैं, क्योंकि हमें इनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अक्सा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक अक्सा, मैंने गलत बात नहीं की कि हमें अशद ज़रूरत है एक डाइटिशियन की और एक न्यूट्रिशनिस्ट की। वजह पूछिए। इसलिए क्योंकि रमज़ान में हम बड़ा फ्राइड किस्म का खा चुके होते हैं, और अब हम कहते हैं कि जी खाने पीने की चीज़ों के बाद अब हमारे पास ईद आई है, तो अब हमने क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है वज़न कम कैसे करना है। कि ईद के फौरन बाद शुरू होती है शादियों का सीज़न। ओ गॉड, और जो कपड़े आपने अगर शुरू रमज़ान में सिलवा लिए होते हैं और ईद तक अगर आप वो वेयर करें, तो मैं 80% श्योर हूँ कि थोड़े से तो वो टाइट होते ही होते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम खाते हैं पकौड़े, जलेबी, समोसे, दही बड़े, चाट, ये तमाम फ्राई आइटम्स हम खाते हैं। और अक्सर एक और ख़ास बात है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि अगर आम दिनों में आप ये फ्रूट चाट, दही बड़े, समोसे, पकौड़े खाएँ, तो वो मजा नहीं आता जो रमजान में आता। तो हाथ हमारा ऑटोमेटिकली नहीं रुकता, हम कहते हैं यार रमजान है, एंजॉय करो। असल में वही बात है कि जी रमजान की सौगात है ना, तो ट्रेडिशनली बड़ा एक्सेप्टेंस है उसके लिए कि जी हमने ये चीजें रमजान में ही खानी है, फिर बेहतर ही खानी है। कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल कहते हैं यार, बस कंट्रोल नहीं होता। तो खैर, हम मीठी ईद की बात कर रहे हैं, और मीठी ईद को मीठा क्यों कहते हैं अक्सर, आप मुझे बता सकती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ये मीठों की सौगात साथ लेकर आता है, और हम इस पे मीठा बनाते हैं। और आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा, और हम बना रहे हैं कस्टर्ड शीर खुरमा। कस्टर्ड शीर खुरमा बहुत ही मज़े का बनता है। इसमें हम यूज़ करेंगे रफान का कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का, और साथ साथ बनाएंगे शीर खुरमा। तो स्टार्ट भी करते हैं, अक्सर से बातें भी करते हैं, और आपको दिखाते भी हैं कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैन गर्म कर लेती हूँ, और इसमें मैं 1 लीटर दूध यहाँ पे उबालने को रख दूँगी। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि इसमें मैं कस्टर्ड डिज़ोल्व करूँगी। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने दूध बचा लिया, और एक खाली बोल है मेरे पास यहाँ पे, इसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, बाकी दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। सही है, और दूध में हम बॉयल आने का वेट करेंगे। ठीक है जी। अब दूसरा पैन मेरे पास यहाँ पर है, इसमें हम जो शीर खुरमे की सेवैयाँ होती हैं उसको भून लेंगे, क्योंकि इसमें एक खुशबू अच्छी आती है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अच्छा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी डालडा का बनस्पति वीटी है, क्योंकि जब भुनाई करते हैं और घी पे थोड़ा सा करें तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलें जी, मेरे पास है यहाँ पे छोटी इलायची और लौंग थोड़ी सी। आप यहाँ पे आएंगी अक्सर? अक्सर आप बनाती हैं अपने घर में? मैं क्या बनाती हूँ, क्या क्या बनाती हैं आप? हम मीठे में अगर देखें, आपने अगर सुना सूजी का हलवा कभी ट्राई करेंगे, सूजी का हलवा बड़ा मजे का, बड़ा मजे का हलवा पूरियों के साथ तो सबसे फेमस है भाई वो। और इसके अलावा भी जरा उसको थोड़ा सा बेक कर लेना सिमोलिना डेजर्ट के साथ, तो वो भी बड़ा मजे का बनता है। अच्छा, आपसे एक मेरा सवाल भी होगा, लेकिन वो सवाल भी करूँगी, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि सेवैयों को भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डालडा फोर्टिफाइड का बनस्पति वीटीएफ इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अराउंड 2 to 3 tablespoons हम लेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और जब बात आती है डालडा की, तो हमारे जहन में सबसे पहले जो एक नाम आता है वो आता है एतमाद का, भरोसे का, जो पिछले 80 सालों से हमारे घर वालों को, हमारी माओं को डालडा बनस्पति वीटीएफ पे है। डालडा बनस्पति वीटीएफ को हमने गर्म कर लिया है यहाँ पे, और साथ ही दूध में बॉयल आ गया है। मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर रही हूँ, और 3 अदद छोटी इलायची मैंने ली वो इसमें डाल दी, 3 अदद लौंगे, 3 से 4 अदद आप ले सकते हैं ये लौंगे डाल के, इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे या फ्राई कर लेंगे आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो अपना अरोमा होता है, जिसके एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होते हैं इसमें, जो इसका अरोमा होता है वो जब डालडा बनस्पति वीटीएफ के साथ मिलेगा, तो फिर सेवैयों में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अक्सर बताएंगी इसके बारे में। अक्सर जो हमारे सारे खड़े गरम मसाले होते हैं, हम एक लैंग्वेज जो हमारी होती है, अगर घरेलू लैंग्वेज में हम कहीं कड़कड़ा लेते हैं इसको तेल में ना, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ये है कि अगर आपने इसको एरोमा के लिए इस्तेमाल करना है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी सी खुशबू दे रहा होता है। और अक्सर अकात अगर आप कुछ नमकीन बना रहे हैं, जैसे अभी तो यहाँ पे मीठा बन रहा है, तो ये खुशबू के लिए, और अगर हम नमकीन बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, आपको जायके के लिए इस्तेमाल किया, जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सेवैयाँ हैं जो शीर खुरमे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको बिल्कुल हमने चूरा कर लिया है। और बहुत बड़ी बड़ी सेवैयाँ नहीं रखनी, आप चूरा ही कर लीजिए, क्योंकि वो जब स्पून के साथ आप खाते हो और बड़ी मुँह में आती हैं तो बहुत बुरी लगती हैं। अक्सर हमने अक्सर देखा है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं या डाइटिशनिस्ट होती हैं,
वो घर में भी बहुत इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि नहीं ये चीज़ इसमें नहीं बनेगी या ये ऐसे नहीं बनाना, ये ऐसे नहीं बनाना, बहुत देखभाल के घर वाले बेचारे कहते हैं कि हाय हम कब अपनी मर्जी की चीज़ें खा सकेंगे। ऐसा होता है आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे हम बताना शुरू करते हैं ना कि आप कोशिश करें कि बेहतर चीज़ों का सिलेक्शन हो ताकि हेल्दी हो सारे, क्योंकि वही बात है कि आपको लॉन्ग टर्म से इतनी आदत हो चुकी होती है, टेस्ट की एक्सेप्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि आपको होता है कि यार चेंज बड़ा मुश्किल है। तो फिर ये है कि बताते हैं और साथ साथ ये भी सुनते हैं कि कब हम अपनी पसंद का खाएंगे, लेकिन हम साथ साथ फिर कोशिश करते हैं कि जी एक्सेप्टेंस भी दिलाएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में बहन भाई हैं आपके आपस में, या फिर फैमिली में जो भी खाने वाले आते हैं घर में आते हैं तो सिर्फ हेल्दी हेल्दी चीज़ें बनी होती, तो ये नहीं कहते कि यार ये अक्सर की कारिस्तानी होगी यहाँ पे, हमें यहाँ पे कोई अच्छा खाने को नहीं मिल सकता? अच्छा सबसे अच्छी बात ये होती है हेल्दी खाने की कि अगर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वही बात है कि कम चिकनाई में कम तेल में भी बहुत अच्छा खाना बन जाता है, तो फिर आपको वाला इशू नहीं आता कि जी हम ये कहें कि हम बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी पसंद का नहीं खा पा रहे। हाँ वो जरूर है कि एक होता है कि जी हमारे खानों में जब तक तरी ना आए ना तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती कि नहीं भाई खाना तो लग रहा है पता ही नहीं। बहुत से लोग ये वाले हैं जिसमें कहते हैं जैसे कि कोरमा है, आप जब तक रोगन नहीं होगा निहारी में ऊपर से रोगन नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आता है, इसके बारे में पूछूंगी आप कैसे संभालती हैं घर में। अच्छा यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है तो मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, अराउंड हाफ अ कप हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शुगर आपको चाहिए, मीठा बहुत ज़्यादा चाहिए, तो अपने हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मीठे के लिए हाफ अ कप इज़ इनफ। ठीक है जी, वो हमने इसमें मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ आप देखिए इसमें हमने सेवैयों को भी फ्राई कर लिया है और ये सेवैयाँ भी फ्राई हो गई। इसको बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना वरना ये ब्राउन हो जाती हैं तो ये बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है जी अक्सर आप बताइए कि आप कोरमे में तरी के बगैर तो कोरमा कोरमा नहीं होता, निहारी में रोगन के बगैर तो निहारी होती नहीं है, कैसे खाते हैं? तो क्या किया जाए, हम उसूली तौर से बताते हैं कि भाई आप एहतियात करें, अगर आप चार लोगों के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर हर बंदे के दो दो चम्मच इस्तेमाल कर लें तेल, तो आपके लिए जो है ना वो ये है कि ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपका मील भी कम्प्लीट लगेगा आपको। अच्छा। और वही बात है कि रोज़ रोज़ निहारी और रोगन खानों का इस्तेमाल हो तो नहीं हो नहीं रहा होता, तो हम ये कहते हैं कि जी कभी के लिए तो हम भी इजाज़त दे देते हैं, हम ये नहीं कहते कि जी लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है इतने ज़्यादा। चलें अच्छा अच्छा देखिए अब दूध में बॉयल आ गया है, सेवैयाँ भी मैंने ब्राउन कर ली हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, और साथ साथ जैसे दूध उबल रहा है मैं थोड़े से बादाम और पिस्ते इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब बादाम पिस्ते उबलते हैं दूध के साथ उसका भी जायका बहुत अच्छा आता है कि हम ऊपर से अलग से डालें, वो तो अच्छे लगते ही हैं लेकिन दूध में भी ना पकते पकते बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है जी, अच्छा मैंने यहाँ पर रफान का कस्टर्ड यूज़ किया है वनीला फ्लेवर का 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि अगर मैं इसे ज़्यादा ऐड करूँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे मुझे हल्का सा एक कस्टर्ड का फ्लेवर ऐड ऑन करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रफान का वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड 1 टेबल स्पून। रफान पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 ब्रांड है डिज़र्ट्स के अंदर और हम सभी लोग पसंद करते हैं रफान की डिज़र्ट। रफान की एक बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत बड़ी रेंज है, इनके स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड भी है, चॉकलेट फ्लेवर का कस्टर्ड भी है, जेलीज़ की इतनी बड़ी रेंज है, यहाँ पे मैंगो जेली है, बनाना जेली है, स्ट्रॉबेरी जेली है, आप कोई भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद से। और ये देखिए अच्छा जी यहाँ पे देखिए दूध में दोबारा से बॉयल आ गया तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, फ्लेम को स्लो कर रही हूँ और साथ साथ इसको मैं चलाती भी रहूँगी। ठीक है जी ये देखिए, और मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा कस्टर्ड आपने नहीं ऐड करना है वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा, हमें सिर्फ एक लाइट सा एक माइल्ड सा फ्लेवर देना है। और ये देखिए इसको हम चलाते रहेंगे और साथ साथ अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सेवैयाँ भी, ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें साथ पक जाएंगी तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ हमने इसमें सेवैयाँ भी ऐड कर दी। ये देखिए ठीक है जी सेवैयाँ भी ऐड कर दी और इसको भी हम पका लेंगे। और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर के चिकन क्यूब्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप घर में ईद वाले दिन पुलाव बना रहे हैं या फिर कोई दाल या सब्ज़ी बनाते हैं और चिकन का एक्स्ट्रा फ्लेवर देना चाहते हैं आप पुलाव में, तो आप नॉर के चिकन क्यूब्स इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, चिकन के फ्लेवर को ये इन्हेंस करता है। अच्छा इसमें एक मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी एक बात कि इसमें नमक ऑलरेडी शामिल होता है चिकन क्यूब्स में, तो नमक जब आप डालें दाल और सब्ज़ी में तो एहतियात से डालें, ये ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। और साथ साथ नॉर के चिली गार्लिक सॉस है, नॉर का टमाटो केचप भी है, आप जब अपनी ईद की ट्रॉली सजाते हैं स्नैक्स रखते हैं सैंडविचेस रखते हैं तो उसके साथ भी आप रख सकते हैं, नगेट्स के साथ फ्राइज के साथ आप सैंडविचेस के साथ सर्व कर सकते हैं, रैप्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें चलूँ कि नॉर के जो टमाटो केचप है और चिली गार्लिक सॉस है उसमें फ्रेश टमेटोज का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेश क्रश चिलीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, कोई एडेड कलर्स नहीं होते और नॉर हमारे लिए बहुत हेल्दी है, बच्चों को देने के लिए बहुत बेस्ट चॉइस है चिली गार्लिक और केचप की। और ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रही हैं ये थोड़ा सा इसमें खुशबू भी आएगी कस्टर्ड की, हल्का सा एक माइल्ड सा फ्लेवर भी आएगा और ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर इसको हम निकाल लेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।